हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो किसी न किसी ऐप का यूज करते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको उस सेटिंग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वो क्या है सेटिंग, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि वो कौन सा सेटिंग है जो हमको करना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे और सबसे पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा स्क्रीन रिकॉर्डर दिख जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसका जो डाउनलोड है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10, यानी आपका 100 मिलियन ए जो है फ्रेंड्स इसका डाउनलोड है, जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर है इसका 100 मिलियन डाउनलोड्स है और इसका जो रेटिंग है 4.7 की रेटिंग है, यानी काफ़ी अच्छा ये ऐप है। तो फ्रेंड्स इस ऐप पे क्लिक करेंगे और इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद से फ्रेंड्स आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, वो परमिशन आपको देना है। तो फ्रेंड्स करना क्या है, देख सकते हैं ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो जाने के बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ओपन वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो गया कम्प्लीट, अब यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ परमिशन जो हमने आगे बोला हूँ कि आप परमिशन मांगेगा तो उसे अलाउ कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है और जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ये आपको सीधे ऐप के अंदर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको परमिशन जो है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको उस ऐप को स्क्रॉल करके देख लेना है कहाँ पे, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ कर देना है, इनेबल कर देना है और फिर से बैक आ जाना है और बैक आएंगे तो आपका ये जो परमिशन है यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसे भी अलाउ कर दीजिए, अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो सेटिंग है वो हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिखेगा इस पर क्लिक करना है। अगर आप कोई भी ऐप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ये सेटिंग्स रहता है, आप ये सेटिंग कर लीजिएगा, अलग ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये सेटिंग सभी स्क्रीन रिकॉर्डर में देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड किया है देख सकते हैं इसका इस एक्स रिकॉर्डर लिखा हुआ है, इसको फ्रेंड्स यहाँ से अब जो सेटिंग है उसको कर लेते हैं, कौन कौन सा सेटिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद से ये समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं और बहुत से लोग मतलब जो जानते हो तो कर लेते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बारीकी से बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्ड होते समय आपकी साउंड और आपकी मोबाइल में जो भी साउंड आ रही है वो साउंड रिकॉर्ड ना हो तो आपको म्यूट पर रखना है, तो यानी आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें कोई भी साउंड नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसमें साउंड आए तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोफोन लिखा हुआ है, अगर इस पर ट्रिक आप लगाएंगे तो आपका साउंड आएगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो भी साउंड हो आती होगी वो साउंड नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनल यानी आपके जो मोबाइल फ़ोन में जो साउंड आ रहा है वो रिकॉर्डिंग हो और आपका साउंड ना रिकॉर्डिंग हो तो यहाँ पर तीसरे नंबर इंटरनल ऑडियो पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपका साउंड भी आए और आपके इंटरनल साउंड भी आए यानी आपका भी जो साउंड बोल रहे हैं यानी जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो और जो मोबाइल फ़ोन में जो आवाज़ आ रही है जो मतलब सुन रहे हैं जो भी साउंड आ रहा है वो भी रिकॉर्ड हो तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इंटरनल एंड माइक्रोफोन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कर लेना है, ज़्यादातर लोग माइक्रोफोन पे रखते हैं और ये सबसे बेस्ट रहता है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं तो आपको माइक्रोफोन पे ही ट्रिक लगा लेना है और इसे देख सकते हैं ऊपर वाले पे क्लिक करके इसे अलाउ कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रेजुलेशन जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए अगर आपका जो फ़ोन है मतलब 1 GB रैम है या 2 GB रैम है, 64 GB का इंटरनल है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 720 है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 4 GB रैम है 64 है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो 1080 है और लिखा हुआ है ऊपर की तरफ सबसे ऊपर है सबसे ऊपर देख सकते हैं इस पर ट्रिक लगा लेना है
क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन होता है फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा होता है और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, तो इस पर ट्रिक लगा लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिटी पे आना है, देख सकते हैं क्वालिटी है, क्वालिटी पे आना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्वालिटी पे क्या करना है, ऑटो पे रहने देना है। देखिए क्वालिटी को ऑटो पे रहने दें, ये सबसे बेस्ट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी देख लेगा कि हाँ किस क्वालिटी में वो आ रहा है, इसको आप कुछ मत कीजिए। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स फ्रेम जो ये है चौथे नंबर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कर लेना है 25, देख सकते हैं यहाँ पे 25 क्लिक कर लेना है। और 25 क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है इस पर अगर आप चाहते हैं तो अपने फ़ोन को ऑटो पे रहने देंगे, यानी जब आप अपने फ़ोन को इस तरह करके रिकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिकॉर्डिंग, अगर इस तरह करेंगे तो इस तरीके का रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑटो पे रहेगा तो जैसे इस तरह करेंगे तो मुड़ जाएगा और जैसे इस तरह करेंगे तो इस तरह मुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको देख लेना है आप किस टाइप की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अगर चाहते हैं कि बस सिंगल रहे हम सिर्फ सीधा आपने रिकॉर्डिंग करें तो ऊपर वाले पे क्लिक कर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन इस तरह हो तो आप नीचे वाले पे ट्रिक लगा लेना, ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑटो पे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपको देख सकते हैं सेव लोकेशन, तो यहाँ पे सेव लोकेशन पे आप चाहे अपने इंटरनल में सेव कर सकते हैं या फिर आप अपने एक्सटर्नल जो कार्ड है उसमें सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक्सटर्नल कोई भी कार्ड नहीं लगा रखे हैं, इसमें सिर्फ इंटरनल ही है, तो ये सिर्फ इंटरनल दिखा रहा है इसलिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा। अगर इसमें हम अलग से कोई मेमोरी कार्ड लगा रखे होते तो ये इनेबल यानी ओपन होता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब रिपेयर सिस्टम इस पर कुछ नहीं करना है, अवॉइड इस पर भी कुछ नहीं करना है, रिकॉर्डिंग मोड इस पर भी आपको देखिए रिकॉर्डिंग मोड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल मोड है और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको परफॉर्मेंस जो मोड है इस पर ट्रिक लगाना है दूसरे नंबर पे, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा वैसे ही रिकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे ट्रिक लगा लेना। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, कम डाउन, अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें तो वो 3 सेकेंड यानी टाइम जैसे 3, 2, 1 करके स्टार्ट हो तब आप रिकॉर्ड यानी अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें, तो यहाँ पे 3 सेकेंड का टाइमर सेट कर सकते हैं। तो ये सेट कर लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 सेकेंड रखना चाहते हैं 10 सेकेंड रखना चाहते हैं आप सेट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पॉपअप विंडो आफ्टर टॉकिंग स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए पॉपअप विंडो दिखे तो यहाँ पे इसे ट्रिक रहने दें, तो यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ है इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ट्रिक लगा देना है, साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा विंडो दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग होते समय हमारी वीडियो में वो विंडो ना दिखे तो यहाँ पे हाइड पे ट्रिक लगा देना है। और यहाँ पे स्नैक स्टॉप, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग जब आपके मोबाइल हिले तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए तो आपको यहाँ पे ट्रिक लगा लेना, तो फ्रेंड्स इस पे ट्रिक नहीं लगाना है, इसे छोड़ देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेटिंग है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट को आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। और एक कैमरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप गेमिंग जो गेमिंग वीडियो होता है गेम प्ले रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं पूछते रहते हैं सर ये जो गेम प्ले होता है उसमें फेसकैम वीडियो जो साइड में कोने में या ऊपर नीचे कहीं पे लगा रहता है वो कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स दो तरीके से होता है, एक तो ग्रीन स्क्रीन अगर पड़ता है तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें ऑप्शन दिया जाता है यहाँ से भी आप अपनी गेम प्ले करने के साथ साथ अपनी फेसकैम वीडियो भी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा जो है इस पर ट्रिक लगा लेना है, यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है। तो जैसे अलाउ करेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो चेहरा है फ्रेंड्स इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमारा चेहरा भी दिख रहा है, जब स्क्रीन रिकॉर्ड होगा तो हमारा चेहरा भी दिखेगा और जो भी हम बताएंगे वो भी दिखेगा, तो इस पर ट्रिक लगा लेना। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से अनट्रिक कर देता हूँ क्योंकि इसमें आ रहा है तो जो ऑप्शन दिखेगा तो आपको सही से नहीं दिख पाएगा, तो मैं इसे हटा लेता हूँ फिर बाद में मैं इस पर ट्रिक लगा लूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रश पे अगर चाहते हैं कि कोई भी अगर आप बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं उस पर ट्रिक यानी ब्रश करके यानी उस पर कलम से आप चला कर दिखाएं कि हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये करना है वो करना है तो आप ब्रश पे ट्रिक लगा लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है सो टच, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे भी आप टच कर रहे हैं उसका मतलब एक पॉपअप शो होता है, जैसे ही टच करेंगे तो डिस्प्ले पर दिखता है कि हाँ यहाँ पे टच किया है आप, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एस आइकन पे क्लिक कर देना है, अब छोड़ देना है, बैक आ जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपको इस
स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप में कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे नए यूट्यूबर हैं जो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी सेटिंग हमको करना चाहिए कौन सी नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो ऐसे में मतलब उनकी वीडियो जो क्वालिटी है मतलब काफ़ी लो भी हो जाती है, और या फिर काफ़ी मतलब वो कुछ इधर उधर सेटिंग कर देते तो हाई भी हो जाती है, फिर आगे चल के उनकी वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेस्ट तरीका है और बहुत ही बेस्ट सेटिंग है जो आपको कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है, और वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।